वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिमें कि कल 8 तरीक न सारे दिल्ली के गुरुधामों के दर्शन वास्ते खोले जा रहे हैं, संगत की सहूलत वास्ते असी गुरुद्वारा बंगला साहब इस वेले मौजूद हाँ, पर कल संगत के स्वागत वास्ते सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, जिथे गुरुद्वारा साहब न ये डिसइनफेक्ट करने का इंतजाम किया गया, उत्थे ही संगत वास्ते क्योंकि सरकार के जो नॉर्म्स आए हैं उसके मुताबिक हुण पैर पानी तां नहीं धोके जाया जा सकेगा, उसका भी इंतजाम किया गया। ये जो तुसी टनल देख रहे हो ये विशेष तौर पर खालसा जी की नाम तुहाडा हरनीत सिंह सरदार हरनीत सिंह जी वालों विशेष तौर पर टनल तैयार की गई है श्री हरकृष्ण झाइए जिथे सब दुख जाए। ये टनल के अंदर अगर आप आके देखा तो तुम देखोगे टनल हमेशा वास्ते पैर जोड़े है वेट फ्लोर रहन वाला और इस फ्लोर उत्ते पैर भी थोड़े जोड़े आ डिसइनफेक्ट हो गए और जोड़े असं पैर धोते सके सोल्यूशन कटिया गया। इस तरीके गुरुद्वारा साहब के अंदर जिते तुम पहला देखा है ये गुरुद्वारा साहब की मेन एंट्री आ जी हूँ तक असी सारे दर्शन वास्ते इस्तेमाल कर हूँ। इस एंट्री के नाल नाल गुरुद्वारा साहब के अंदर तीन एंट्रिया का होर इंतजाम किया गया ताकि संगत घट तो घट समय के अंदर ज़्यादा तो ज़्यादा संगत गुरु साहब के दर्शन दिदारे कर सके। असी सारे तुहानू जिया आखते हैं संगत नूं और गुरु साहब दी रहमतां बख्शिशां सदके लगभग 2.5 महीनों तो सवा 2.5 महीनों तो जो निरंतर गुरुद्वारा बंगला साहब तो गुरुद्वारा सीसगंज साहब तो बाकी गुरुधामों तो गुरुद्वारा नानक प्यो साहब तो गुरु घर दीआं महान सेवावां लंगर रूप चल रही सी। अज पूरी दुनिया के अंदर जिथे सिखां दी जय जयकार हो रही आ ये आस्था के स्थानों के अंदर भी खाली सिख ही नहीं बल्कि दुनिया के हर धर्म के लोगों का इस गुरु साहब पर विश्वास है। गुरु हरकृष्ण पातशाह जी का वो स्थान आ जिहड़ा मानवता नूं सेध भी दिंदा है ते सेत भी दिंदा है। अज जिथे लोग करोना तो डरे ने मैं उन्होंने सब नूं कहना चाहुंदा करोना डरन वाली चीज़ नहीं, सानू अपने परमात्मा ते विश्वास रखना चाहिए। गुरु हरकृष्ण पातशाह जी ने इस वड्डी महामारी नूं जो कि चेचक के रूप अंदर सी उसका भी खात्मा किया सी, वह पवित्र स्थान आ। सो इस स्थान पर जो तुसी आओगे तुहाडी आत्मशक्ति तुहाडा मनोबल वधूगा, गुरु प्रति अपना विश्वास जिहड़ा अटल आ उसके सदके 70 दिनों की निरंतर सेवा के बावजूद परमात्मा की असी रहमत और कृपा बख्शी आ। कोई सिख की किसी भी तरीके का करोना की किसी भी तरीके की बीमारी के लागे चके नहीं क्योंकि गुरु की आप महान सेवावान चल रही ने। सो संगत जी आओ इस गुरु घर के दर्शनों के वास्ते तुम पहुँच रहे हो, निरंतर सारिया तैयारियां चल रही जी जिते टेंट लगा के जिथे ये गुरु साहब के अंदर बाहर फुलों की सजावट की गई आ उत्थे ही तुहाडे खड़े होने वास्ते धुप का इंतजाम धुप ना हो सोशल डिस्टेंसिंग का इंतजाम किया गया, सारे गेट दरवाजे खोले गए हैं। सो ये सारे इंतजाम जिहड़े ने आप संगतां दे वास्ते किए जा रहे हैं। मैनू उम्मीद आ आप जो दर्शन करन आओगे तो घट तो घट समय के अंदर गुरु साहब के इस महान चरण स्थान के दर्शन करके जा सकोगे। असीं तुहाडी उड़ीक च तुहाडा संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद जो तुसीं सानूं हुण तक सहयोग दिता, हुण भी जो सरकार की गाइडलाइनस आप सब मानते हुए गुरु साहब के महान गुरचरणा कमां दर्शन करने ने बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।